जय भीम, मैं राधा करुणा, आप देख रहे हो बहुत जनरल चल। सबसे पहले बता दे कि यहाँ हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे, हम केवल सच्चाई बयां कर रहे हैं जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। जब तक बसपा जिंदा है तब तक दलितों की राजनीति भी जिंदा है। जिन्हें यकीन नहीं है उन्हें बसपा के पहले दलितों की राजनीति देख लेनी चाहिए। क्या हसर था दलित राजनीति का कांग्रेस में केवल दरी बिछाने व झोला उठाने की औकात थी इनकी। बाबू जगजीवन राम ने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस को कुर्बान की थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। बसपा के पहले दलितों को अपनी वोट की ताकत का एहसास नहीं था। धन्य हो मान्यवर मसीहा काशीराम जी, जिन्होंने दलित की मरी हुई राजनीति को जिंदा कर दिया। जो बेचारे कांग्रेस में झोला उठाने व दरी बिछाने वाले थे, वो मान्यवर काशीराम साहब के हाथ पकड़ते ही हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाले बन गए। जो दलित कभी नीला झंडा लेकर अपनी मीटिंग नहीं कर पाता था, उसे मान्यवर काशीराम व बहन जी ने ऐसी ताकत दी कि विरोधी भी जय भीम बोलने लगे। बसपा ही थी जिसने महापुरुषों की विरासत स्थापित की, नहीं तो उत्तर प्रदेश में ना कोई साहू महाराज को जानता था, ना ज्योतिबा फूले को। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क मूर्ति संग्रहालय का जितना काम बसपा ने किया, उतना कोई भी पार्टी नहीं कर सकती थी। आज जब देश की सारी पार्टियां दलित राजनीति के नाम पर दलितों को बड़े बड़े पद देती है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक बना देती है, तो वे इसलिए क्योंकि दलितों के पीछे बसपा की ताकत है। बसपा ने दलित राजनीति को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। आज इसलिए सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी का विरोध होता है तो बसपा का है। बसपा को तोड़ने के लिए कांग्रेस भाजपा आपसे लगाए गए चमचे आज बसपा को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भाजपा और आप किसी भी कीमत पर दलित राजनीति को बर्दाश्त नहीं करती और इन्हें दोबारा झोला उठाने और दरी बिछाने वाली राजनीति पर धकेलना चाहती है। इसलिए समाज को इन सभी मनुवादी पार्टियों से बहुजन समाज को सावधान रहना चाहिए। अब आपको तय करना है कि क्या करना है। कमेंट्स बॉक्स में जवाब दें और देखते रहिए बहुजन हलचल। जय भीम, धन्यवाद।